हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्रिस्पी स्वीट कॉर्न की रेसिपी। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है और इसे बनाना भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप इसे इवनिंग स्नैक में सर्व कर सकते हैं। तो ये रेसिपी को बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्रिस्पी स्वीट कॉर्न को बनाने के लिए हमें लेने होंगे स्वीट कॉर्न बॉईल किए हुए, कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून, काला नमक स्वाद के अनुसार, 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून आमचूर पाउडर और रिफाइंड ऑयल। तो क्रिस्पी स्वीट कॉर्न बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए मिक्सचर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे ये बर्तन में बॉइल्ड स्वीट कॉर्न डाल देंगे और फिर इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। कॉर्नफ्लोर डालने से इसकी कोटिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार काला नमक और अब 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे चीज़ों को स्वीट कॉर्न में अच्छे से मिलने तक मिला लेंगे। और अगर आपको लगे कि ये मसाले स्वीट कॉर्न में अच्छे से नहीं मिल रही है तो आप इसमें थोड़ा बहुत पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मसाले अच्छे से स्वीट कॉर्न में मिल गई है। तो अब ये हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है डीप फ्राई करने के लिए। तो अब हम गैस ऑन करके कढ़ाई को गर्म कर लेंगे और गर्म होते ही हम इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे और फिर इसे गर्म होने देंगे। जैसे ही ये ऑयल हल्की सी गर्म हो जाए हम गैस की फ्लेम एकदम लो कर देंगे और इसमें स्वीट कॉर्न की मिक्सचर डाल देंगे। और अब इसे इसी तरह से चलाते हुए हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तीन मिनट के बाद हम गैस की फ्लेम एकदम हाई कर देंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। आप देख सकते हैं इसका कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। 1 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो गई है। तो हम गैस की फ्लेम एकदम लो कर देते हैं और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और हम बाकी स्वीट कॉर्न को भी डालकर इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और प्लेट में फिर निकालते जाएंगे। तो ये हमारी सारी स्वीट कॉर्न फ्राई हो गई है। आप चाहे तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं, ये ऐसे ही भी बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन इसे और टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो पहले इसमें चाट मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे और फिर इसमें आमचूर पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी क्रिस्पी स्वीट कॉर्न बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है सर्व करने के लिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय।